Hi guys, this is Ankara from Junior Study Channel. Don't mug up, try to build a rational logical study. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे जी. अगर देखा जाए तो हमारे पास बीपीएससी का पेपर अवेलेबल है और इसमें देखिए आपको सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं. तो हम लोग पहले एक बार क्या करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं जी? मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, अगर किसी को और भी सब्जेक्ट अपने देखना होगा तो आप लोग देख लीजिएगा. इसमें बता दूं कि मैं जो डबल टिक मारा गया है वो आंसर करेक्ट आंसर है जी. डबल टिक मारा गया है जो राइट साइड में मारा गया है वो करेक्ट आंसर है. पेपर इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में दोनों में था, तो आप लोग जिसमें भी कंफर्टेबल हूँ आप उसको देख सकते हैं जी. तो हम बता दें कि डबल टिक वाला जो है करेक्ट आंसर है. चलिए जी, तो अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, आपको हिस्ट्री का पार्ट का है जी क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक. उसके बाद आपको ये भी हिस्ट्री का है जी क्वेश्चन, ये भी आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन है. ये जो क्वेश्चन है आपको मैथ के 10 के क्वेश्चन आए थे. तो जो इसमें सारे टिक लगे हुए हैं आप लोग उसको बना लीजिएगा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था जी, बहुत आसान क्वेश्चन था. और मेरा मानना है कि रेलवे एसएससी वालों के लिए पेपर बहुत ही आसान होगा, करंट अफेयर का भी और मैथ रीजनिंग का भी, साइंस का भी. तो चलिए जी, ये देखिए ये भी मैथ का है जी. तो आपको मैथ के कितने हो गए, 10 क्वेश्चन आ गए 21 से लेकर 30 तक. ये बहुत ही आसानी क्वेश्चन है, सभी आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं जी. चलिए अब आते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि साइंस का है. ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं साइंस के, इसमें जो भी टिक लगा हुआ है वो क्या है जी, करेक्ट आंसर है. इसलिए मैं सबको डिस्कस नहीं करूंगा, मैं केवल करंट अफेयर का डिस्कस कर लूंगा, आप लोग बना सकते हैं जी. क्योंकि आप लोग अगर रेलवे की तैयारी किए हैं तो आप लोग को ये पता होगा कि ये सब जो फर्स्ट स्टेज में जो हुआ था उसी से रिलेटेड है. और इस सारी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन आए हैं. और आप देखिएंगे तो बीपीएससी का क्वेश्चन लगेगा कि बहुत ही आसान है जी इस कंपार्ट में. हाँ तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन आते हैं. 41 से आते हैं 85 भी आपको साइंस का क्वेश्चन है. इसमें बायो भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है. तो आप देख सकते हैं जी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सारे रिलेटेड है एक दूसरे से. चलिए जी अब आते हैं करंट अफेयर. करंट अफेयर में 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी. 51 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये करंट का क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी. मैं बता दे रहा हूँ, फिर से बता देना चाहूँगा कि जिसमें डबल टिक लगा हुआ वही क्या है जी, करेक्ट आंसर है. उस सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा जी. बोल रहा है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन में 3-day विजिट टू विच ऑफ द नेशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर, यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कहाँ गई थी जी, तो कजाकिस्तान में गई थी. ये क्वेश्चन थोड़ा मानते हैं कि क्या है जी, टफ क्वेश्चन है, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, इसमें कोई रिव्यू नहीं है. बात की जाए तो आंग सान सू की का सिटीजनशिप किसने कैंसिल किया जी, तो मैं आपको मैं करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूँ जी, कनाडा ने किया था. आंग सान सू की को मैंने बताया था कि बहुत सारे अवार्ड उसके भी लिए गए थे, यूनाइटेड नेशन ने भी क्या दिया था उसका जो टाइटल दिया था वो भी वापस लिया था. और कनाडा ने क्या किया था जी, आंग सान सू की का जो सिटीजनशिप दिया था वो भी वापस कर लिया था जी, क्या किया था मैंने डिसमिस कर दिया था. तो आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं जी. बात कीजिए नेफ्टा में कौन है, नेफ्टा में कौन नहीं है जी, तो ग्रेट ब्रिटेन नहीं है. आप देख सकते हैं नेफ्टा में कौन नहीं है जी, ग्रेट ब्रिटेन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मोबिलाइज क्या है, भारत ने किस मोबिलाइज योर सिटी के समझौता किया है. तो मोबिलाइज योर सिटी के समझौता किसने किया है, तो फ्रांस ने किया है. किसने किया है जी, फ्रांस से किया है. अगला क्वेश्चन आते हैं 55 की तरफ. बोल रहा है अगस्त 2018 में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने किस देश से पाणिनी भाषा का प्रयोगशाला का उद्घाटन किया. पाणिनी भाषाशाला में किसे किया था, तो मॉरिशस में किया गया था. तो आप देख सकते हैं कि मॉरिशस है, मॉरिशस आंसर है जी. अगस्त 2018 में किस देश ने भारतीय मूल के प्रवासी भारतीयों के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने की संबंधी कानून बनाया जी. आपको भी पता है यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ था, कुछ लोग मर गए थे जी इंडिया के अंग प्रत्यारोपण की प्रॉब्लम में ही. तो इसलिए क्या किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, इसको क्या किया है जी, तो ये इसके लिए कानून में क्या किया है जी, अपना साइन किया था, जिससे क्या हो जाएगा अंग प्रत्यारोपण की सुविधा की फैसिलिटी देगा. कौन देगा जी, तो ब्रिटेन देगा, यूनाइटेड किंगडम देगा. बात की जाए कुछ अगले क्वेश्चन 57 नंबर का, तो 57 नंबर में क्वेश्चन देख सकते हैं जी. बोल रहा है कि नवंबर 2017 में संपन्न सभी राष्ट्रपति चुनाव एमर्सन मनांगवा. देखिए मैं बात करूं तो एमर्सन मनांगवा का कुछ ही दिन पहले ही आपको याद होगा जिम्बाब्वे, उसमें मैंने क्या बोला था कि मनांगवा, इमर्सन मनांगवा और जिम्बाब्वे ऐसा ही कुछ एक तरह से बैठा है, इसी तरह से बैठाने के लिए मैं बताया था उस दिन भी कि तो जिम्बाब्वे इसका आंसर है जी. चलिए अगले क्वेश्चन में बोला है किस देश के विगत 2 वर्षों में आपातकाल लागू हुआ था जी. देखिए 2 वर्ष आपातकाल के इसके लिए तर्की बताओ भी पता है, तर्की में क्या है जी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके हैं, इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए क्या था फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा हुआ था जी तर्की में. किसान 3 साल के लिए, 2 साल के लिए. बात की जाए तो जून 2018 में पोलियो के प्रकोप से कारण किस देश को
आपातकाल लागू किया। पोलियो के प्रकोप से किसको, तो पापुआ न्यू गिनी को क्या किया जी, पोलियो की वजह से क्या हुआ था, आपातकाल वहाँ पे कंडीशन आ गया था जी, पापुआ न्यू गिनी है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, बांग्लादेश को हराकर भारत ने कुल कितनी बार क्रिकेट का एशिया कप जीता, ये आप लोग क्वेश्चन बताइएगा जी। थोड़ा मुझे इसमें डाउट लग रहा है क्योंकि मुझे भी पता है मुझे क्रिकेट में थोड़ा सा कम ही नॉलेज है, तो इसका सातवीं बार ऐसे आंसर होना चाहिए। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका जरूर ही आंसर बताइएगा जिससे मुझे भी हेल्प मिल सके। मैं बता रहा हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ही कम नॉलेज रहता है, इसलिए मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोग कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का नंबर 60 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 61 मैं भी बता दे जाऊँगा, एशियन गेम का मैंने प्लेलिस्ट बनाया था, मैंने आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी जो भी गेम हो रहे हैं उसका आप देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 में ये देखिए क्या बोला गया, एशियन गेम्स 2018 में जो हुआ था जी उसमें क्या पूछा गया, जो जकार्ता और पेलम्बर्ग में हुआ था, इंडोनेशिया के दो शहर थे पेलम्बर्ग और पेलम्बर्ग और जकार्ता में हुआ था। इसमें देखिए 15 सिल्वर सोना मिला है जी, स्वर्ण मिला है, 24 क्या मिला है जी, रजत मिला है, और 30 मिला है कांस, और टोटल कितना मतलब 69 मिला है जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, मैं उस समय भी बताया था। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2018 में ETVF के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमान कंपनी कौन सी बनी है, तो कौन सा बनी है जी, तो स्पाइस जेट बनी है। कौन सी बनी है जी, स्पाइस जेट बनी है। अब वही पता है स्पाइस जेट ही क्या की थी, प्रथम बार क्या हुई जी, बायोफ्यूल के थ्रू फ्लाइट भरी थी। ये क्वेश्चन सारे डिस्कस किए गए हैं करंट अफेयर में, आप चाहें तो जाके प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ एस सीरीज का करंट अफेयर जो सीरीज चल रहा है एस वाले सीरीज में, उसको जरूर से बार बार देखिए। अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि वो भी इस चैनल इस नॉलेज का ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर उपयोग कर सके जी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इस मुझे ज़्यादा मोटिवेट करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो आप उस मोटिवेशन को बरकरार रखें जी। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 63 क्वेश्चन मैं मानता हूँ थोड़ा सा क्या है जी, टफ क्वेश्चन है क्योंकि डेटाबेस क्वेश्चन है। भारत में एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूरी की है, तो 6000 करोड़ रुपए का क्या किया जी, 6000 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है भूजल योजना के लिए, भारत भूजल योजना के लिए। चलिए क्वेश्चन 64 IIT खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लागत तार कितने वर्ष न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन है। देखिए इसमें बताया गया IIT खड़गपुर की जो टीम थी उसने बताया कि बारिश 900 वर्ष बारिश नहीं होने के कारण लगातार सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए जो ये रिपोर्ट दिया गया था वनों की स्थिति का जो रिपोर्ट दिया गया था किसके द्वारा जी, तो हमारे वन क्षेत्र विभाग द्वारा दिया गया था। कितना परसेंट, 24.4% इसका आंसर होगा जी। आप लोग क्वेश्चन सब में देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन इसमें जो ई है बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलत भी हो रहे हैं उसके कारण बहुत सारे आंसर भी गलत बता रहे हैं लोग, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा। ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में आंसर एक ही दिया जाएगा, रिपोर्ट में कभी दो आंसर नहीं दिया गया, तो कोई भी इसका अगर ई बोल रहा है तो क्या है जो गलत आंसर है उसका। पहले क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं, देखिए क्वेश्चन है भारत के किस राज्य ने लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता बनाने भाई बहन बनाने की मंजूरी दी। देखिए बात की जाए सिक्किम का, तो सिक्किम में क्या हुआ था जी, जब वन फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होने लगा था क्या हुआ था, पेड़ों की संख्या घटने लगी थी, तो इसके कारण क्या बताया गया था जी कि वनों के साथ आप क्या करें भाई बहन का रिश्ता बनाए, जिससे क्या होगा आप एटलीस्ट अपने भाई बहन की सेफ्टी करते हैं वैसे ही क्या कीजिएगा वनों की सेफ्टी रखिएगा, और ये बहुत ही कारगर साबित हुआ था जी, तो इसलिए ये सिक्किम के द्वारा आंसर हो जाएगा इसका सिक्किम। चलिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में किस जिले का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो बात की जाए सतारा जो महाराष्ट्र का है उसका क्या स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में इसका क्या हुआ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो आंसर सी हो जाएगा। सितंबर 2018 में प्रारंभ में की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया। देखिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत यानी AV, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PJAY, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यह यहीं पे लिखा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। 68 का आंसर क्या हो जाएगा जी, तो ई हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि आंसर कितना, क्वेश्चन जो है अगर जो भी करंट अफेयर डेली पढ़ रहा होगा उसके लिए क्वेश्चन देना क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान होगा, ये मत समझिए कि BPSC का पेपर है या इसका पेपर है उसका पेपर है हार्ड होगा टफ होगा, ऐसा कुछ मानने की मान्यता नहीं रखिए जी। चलिए
करंट अफेयर का मतलब करंट अफेयर होता है, कोई हार्ड नहीं होता है। अगर आप जानते हो तो बना सकते हैं, नहीं जानते होंगे तो नहीं बना सकते जी। सितंबर 2018 निम्न में से किस संस्था में देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय, रेलवे विश्वविद्यालय बड़ोदरा में किया गया था, कोई पता है जी? तो आंसर क्या हो जाएगा, 69 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। जीमैक्स, तो जीमैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। तो जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सा हो जाएगा जी, बी हो जाएगा, यानी नौसेना का युद्धाभ्यास से रिलेटेड हो जाएगा जी। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में VAYU यानी वायु प्रणाली का शुभारंभ किस नगर में होता है, वो भी पता है कि दिल्ली में इतना ज़्यादा प्रदूषण है, उसके लिए क्या किया गया था जी, वायु का कंट्रोल करने के लिए वायु एक शॉर्ट फॉर्म VAYU है जी, उसको क्या किया लागू किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्न से किस के तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। तो कहाँ किया जी, तो विकास समीक्षा योजना, आपको भी पता है विकास समीक्षा योजना क्या थी जी, बहुत ही अच्छा योजना, बहुत ही समीक्षा योजना यात्रा चली थी, उसमें क्या था कि बहुत सारे गवर्नमेंट के कर स्टार्ट किया गया था, स्टार्टअप हब वगैरह बहुत सारा उसमें किया गया था, तो वहीं विकास समीक्षा यात्रा के दौरान ही क्या किया गया था जी, 750 से अधिक विकास योजना का शुभारंभ किया गया था बेगूसराय और खगड़िया जिले में। क्वेश्चन नंबर 73 याद है, बिहार का करंट अफेयर है, तो ये थोड़ा मैं मानता हूँ कि जो बिहार की तरफ से नहीं होंगे उनके लिए दिक्कत हो सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य में प्रथम स्टार्टअप हब स्टार्ट किया जी, आपको ही पता है स्टार्टअप हब अगर बिहार में कहीं होगा भी तो पटना ही होगा, क्योंकि अभी तो जो भी छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पे तो स्टार्टअप हब बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो पटना आंसर हो जाएगा। जो अगर जानता भी नहीं होगा, अगर ये थोड़ी सी स्टेप लगाएगा तो क्या स्टेप, हाँ देखिए ट्रिक लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पता है बिहार में जो सारे कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, पटना के पास ही छोड़कर किसी के पास तो है भी नहीं, तो पटना आंसर होना चाहिए। चलिए 22 मार्च 2018 में बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया, किसने किया था, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू किए थे, तो आपको याद रहना चाहिए, तुम यह लगा पाएंगे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे, और इसमें देखिए बोल रहा है मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का समर्थ, देखिए 12,000 हॉर्स पावर का वहाँ पर क्या किया था, रेल लोकोमोटिव रेलो लोकोमोटिव फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 76 में आते हैं, 10 अप्रैल 2018 को भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया था, तो मोतिहारी में किया था, कहाँ किया था जी, तो मोतिहारी में किया था। आपको ही पता है कि सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था जी, मोतिहारी से स्टार्ट हुआ था, जो आपको चंपारण से स्टार्ट हुआ था मोतिहारी साइड से, तो इसीलिए क्या किया गया कि उसको सत्याग्रही को ही क्या किया गया, स्वच्छाग्रही बनाया गया जी, तो मोतिहारी से उन्होंने नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था जी। एनडीएमए ने अप्रैल 2018 में CBRE क्या जी, CBRE इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पर किया गया था, वही बताया पटना जो एयरपोर्ट है वहाँ पे क्या किया जी, LNJP पटना एयरपोर्ट है, वहीं पे क्या किया था जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, पूरा नाम है जी, LNJP का मतलब होता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो एयरपोर्ट है पटना का, वहाँ पे क्या किया था, मॉक इमरजेंसी अभ्यास किया गया था, ताकि इमरजेंसी कभी में क्या किया जा सके कि एयरफोर्स के द्वारा हेल्प किया जा सके थे इवैक्यूएशन किस वगैरह के लिए, ठीक है जी, तो मॉक इसके लिए किया गया था। ये एक तरह का एक्सरसाइज होता है जिसमें क्या किया जाता है, आर्मी को एयरफोर्स का है एयरपोर्ट को क्या किया जाता है, एयरफोर्स क्या करती है, एक्सरसाइज करती है कि एयरपोर्ट से अभी इवैक्यूएशन वगैरह इमरजेंसी में कराना होगा तो हम लोग वहाँ से करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन में बढ़ता है, एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों में उपलब्धता की दृष्टि से देश का 20 शहरों का पटना का स्थान क्या था जी, देखिए 20 शहरों का 4G की अवेलेबिलिटी के लिए किया गया था जी, तो उसमें पटना का स्थान क्या था जी, प्रथम था। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार में किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया, आपको भी पता है सुलभ इंटरनेशनल जो है ये आपको सुलभ शौचालय का सबसे बड़ा नेटवर्क है इसके पास, और इन्होंने सबसे सस्ते दरों में सब फैसिलिटी अवेलेबल कराया है, उसी के तर्ज पर सुलभ जल प्रोजेक्ट भी इन्होंने स्टार्ट किया, और कहाँ से स्टार्ट किया, तो भागलपुर से स्टार्ट किया जी। इसमें आपको भी पता है कि 50 पैसे में 1 लीटर पानी आपको प्योर 1 लीटर पानी दिया जाता है जी, तो इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, तो भागलपुर से स्टार्ट किया जी। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है बताना है जी इसमें, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं जी, इसका आंसर सी भी होना चाहिए मेरे अनुसार,
लेकिन आप लोग भी इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर ई भी हो सकता है, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि उपयुक्त में से एक से भी ज़्यादा सही हो, तो आंसर क्या हो सकता है, ई भी हो सकता है। तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जी, सभी कोई कहेगा सर जानते भी क्योंकि नहीं बता रहे। चलिए जी, भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए जी, तो बताइए भारत के, ये तो आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया है जी, आप क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे तो क्या जी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि इसको डिस्कस करने से कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या बोला है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी कौन है जी, तो अज्ञात यूनानी द्वारा लिखा गया है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है जी, बुक के राइटर है जी। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, ये भी क्या है जी, ये भी आपको हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है जी, हिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे जी, जो करंट अफेयर का होगा उसी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं जी, बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 94 देखिए जी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किसके द्वारा लिखा गया है जी, तो दादा भाई नरोजी के द्वारा लिखा गया है, उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन सब हिस्ट्री से है, तो छोड़ देते हैं जी इस सब क्वेश्चन को, आप लोग हिस्ट्री से आप लोग जानते हैं, आप लोग डिस्कस कर देख लीजिएगा जी, हम लोग करंट का डिस्कस कर रहे हैं तो करंट से क्वेश्चन। चलिए जी, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 101 में देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा इसमें क्या है जी, लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री कौन है जी, तो हंगरी है, कौन है जी, तो हंगरी आपको लैंडलॉक कंट्री है जी। आप लोग आंसर सब देख सकते हैं, पूरा का पूरा दिया गया है जी। बोल रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आइलैंड कौन है इसमें, तो बोर्नियो है, कौन है जी, बोर्नियो है। चलिए ये सब आपको क्या है जी, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा दायरा कौन है जी, तो नाथुला दायरा है। आप देखिए कि अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक है, कौन है जी, तो सर्वाधिक सऊदी अरबिया है उसके बाद से। ऐसे ही आपको ये नाथुला दर्रा है जी, भुवन पहाड़ी, ये सब आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे है। फिर से आपको सेंसस का क्वेश्चन आपको 109 में देखिए, आपको क्वेश्चन 109 में क्या है जी, सेंसस का क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 31% है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जी, नीति आयोग का फुल फॉर्म जो आपको हमेशा बार बार पूछा जा रहा था। फिर से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं जी, तो चीनी का कटोरा किसका था, उत्तर प्रदेश को कहते हैं, और सब स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर से बोला किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व के अग्रणी है, कौन है जी, तो अभ्रक में है, यानी चादरी अभ्रक है, यहाँ पे आंसर है जी। ये एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार चुना गया, भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब चुना गया, तो 1935 अधिनियम के तहत 1936 में क्या बना जी, बिहार बना। बिहार का पहले नाम जो अलग था, उड़ीसा के अलग होने के बाद क्या बना जी, इसका नाम बिहार बना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं जी 115 में देखिए जी, आपको ये सब क्वेश्चन क्या है जी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं आप सबके, लेकिन आप सभी को सारे का सारा क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ। फिर से आपको पॉलिटी से क्वेश्चन है, तो पॉलिटी से देख सकते हैं जी सारे क्वेश्चन है। उसके बाद बात की जाए, ये सब आर्टिकल से रिलेटेड है, तो पॉलिटी का क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं देख लीजिए, क्योंकि मैं करंट वाला ही डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसमें मेक इन इंडिया वगैरह के बारे में देखिए। अगला क्वेश्चन है जी, बोला है सभी स्टैटिक से क्वेश्चन है, योजना से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोग कृपया देख लीजिएगा जी, ऑथर एंड राइटर से जो क्वेश्चन है वो सब देख लीजिएगा जी, आप देख लीजिए इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा है कंसेंसस 2011 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं जी। फिर से इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन है 139 देखिए जी, यहाँ पर पूछ रहा है उनको 139 में बोल रहा है हु इज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शक्तिकांत दास हैं जी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जी, फिर से सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन लिखा है, मनरेगा से रिलेटेड है जी, और यहाँ पर देख सकते हैं, और योजना से भी रिलेटेड है कुछ, बिहार के भी आपको करेंट अफेयर्स हैं उससे भी पूछा गया है, स्टैटिक्स भी बिहार से कुछ पूछा गया है, तो ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर से पूछा है नीति आयोग के सीईओ कौन है, क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, बोल रहा है नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत है जी। हमने सारे क्वेश्चन इसमें से आपको करंट अफेयर का डिस्कस कर रखा है, आप यहां से देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा
सभी वीडियो को एक एक करके आप लोग देखिएगा, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना आप देखना चाहते हैं। मैं बता देना चाहूँगा कि सब में मैंने डबल टिक लगा रखे हैं, जिसके भी राइट साइड में आपको डबल टिक लगा रखे हैं वो क्या है जी, करेक्ट आंसर है। तो बस अब तक अपने वीडियो को, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी रिकमेंड करें। मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ कि 2000 लाइक का जी। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू फॉर यू, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच।